11 बजे 11 खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया है। कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हो गया जिसमें एक के बाद में पांच ट्रक आपस में टकरा गए। विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रक डिवाइडर से टकरा गए और हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है जबकि चार लोग घायल हो गए हैं। दनकौर थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ये घटना जहां पर एक के बाद एक पांच ट्रक आपस में टकरा गए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी हाल ही में एक सड़क हादसा सामने आया था ईस्टर्न पेरिफेरल से जहां पर एक और मामला सामने आ गया है, ये भी सड़क हादसे का जहां पर एक के बाद एक पांच ट्रक आपस में टकरा गए और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। बताइए क्या जरा जानकारी है। अमनदीप, देखिए जिस तरीके से कोहरा है और विजिबिलिटी अब बेहद कम है, लिहाजा लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं और आज तड़के सुबह भी यही स्थिति रही कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी और इसमें डिवाइडर नहीं दिखाई दिया और ट्रक चालक डिवाइडर में जाकर भिड़ गया, लिहाजा जो पीछे से भी ट्रक आ रहे थे वो भी सीधे जाकर टकरा गए और ऐसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। चार ट्रक चालक जो है वो घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और इसके अलावा जो ट्रक है उनको साइड किया जा रहा है ताकि और घटनाएं ना हो। फिलहाल जिस तरीके से अब कोहरा देखने को मिल रहा है बीते 48 घंटे से, ऐसे में लगातार जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट तमाम अधिकारी जो है वो यही अपील कर रहे हैं कि जो स्पीड लिमिट तय की गई है भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी पर चले और विजिबिलिटी नहीं है तो ट्रकों की स्पीड और स्लो कर ले। बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर या तेज चलाकर गाड़ियां ना चलाएं लेकिन और हादसे में जो है वो कमी लाई जा सकती है स्पीड को नियंत्रित करके ही। लिहाजा इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है और इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर पुलिस को रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका।